KTM की RC सीरीज बाइक सिर्फ ड्यूक पे क्लिप ऑन हैंडलबार्स लगा के नहीं बनती, ये पूरी नई बाइक्स है जिसमें शार्प हैंडलिंग और स्टीयरिंग रेक एंगल ऐसी रहती है जिससे ट्रैक राइडिंग में सुविधा होती है। क्या आपको पता है कि RC में बैटरी पेट्रोल टैंक के ऊपर इस कंपार्टमेंट में रहती है? ड्यूक में बैटरी साधारण बाइक्स की तरह सीट के नीचे ही रहती है, जैसा मैं बोल रहा था, नया से बनाया है KTM ने। और इससे हम पहुंचे हैं आज की बाइक KTM RC 125 पे। इसमें ड्यूक 125 का 124.7 cc का इंजन लगा हुआ है। पावर और टॉर्क की संख्या भी एक ही है ड्यूक 125 से, लेकिन इसकी फ्रेम और बॉडी RC 200 से ली गई है, जिससे इसकी कर्ब वेट 160.4 kg है, जो ड्यूक 125 से 12 kg भारी है। चलिए देखते हैं कि ये वजन के लिए बाइक की कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, और चला के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत एजाइल भी है, जैसे कि सिटी ट्रैफिक में आपको अगर फिल्टरिंग करनी है या ऐसा कुछ, बहुत लाइट और बहुत एजाइल है। लेकिन फ्रंट एंड में एक हैवी फील है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगी, और हाई स्पीड कॉर्नर्स में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ड्यूक में आपको देखते हैं फ्रंट एंड में बहुत प्लेफुल लगता है, इस बाइक में ऐसा नहीं है। फ्रंट एंड में एक प्रॉपर स्पोर्ट बाइक जैसी फील है, और जो फीडबैक है उसमें आप कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हैं। और इसी में मुझे लगता है कि बाइक में और ज़्यादा पावर होता तो अच्छा होता, क्योंकि अगर आप RC 390 ले ले या RC 200 ले ले तो आसपास ही है इसका फ्रंट एंड फील, और उतना इंजन पावर में भी वो जो फ्रेम है, वो जो सस्पेंशन है, वो बाइक को मैनेज कर लेती है। तो इतना छोटा इंजन में लगता है कि बहुत टाइम लगता है कि और ज़्यादा पावर होता तो हम लोग और स्पीड में ले सकते थे कॉर्नर्स, या बाइक को और स्पीड में चला सकते थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉर्मली RC 390 में सस्पेंशन बहुत हार्ड था, 200 में भी हार्ड ही लग रहा था, लेकिन 125 में कभी कभी लगता है कि सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है। RC 125 को दो चीज़ के लिए बनाई गई है, एक है सिटी यूज स्पोर्ट बाइक। ड्यूक 125 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रहा है, और ऐसे RC भी बहुत अच्छी माइलेज देगी। दूसरे हैं नए राइडर्स जिनको घर से ज़्यादा पावर की मोटरसाइकिल खरीद नहीं दे रहे हैं, उन्हें शायद RC 125 में ही आना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इसकी सिटी राइड कैसी है। ट्रेलिस फ्रेम रहने के लिए बहुत हल्की लगती है, और आप आराम से फिल्टरिंग कर पाएंगे ट्रैफिक में। KTM की मिरर्स आसानी से फोल्ड हो जाती है, और ये मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं और पीछे का दृश्य बहुत अच्छे से दिखाते हैं। इसकी पावर डिलीवरी एकदम लीनियर है, और फ्यूलिंग भी बहुत सही है। 14.5 BHP का जो पावर है उससे ज़्यादा लगती है। ट्रॉटल लैग बिल्कुल नहीं है, इसीलिए कम्यूटर बाइक से इसकी राइडिंग फील काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन पावर जो है वो 150 cc कम्यूटर बाइक्स की तरह ही है। इंजन ब्रेकिंग में KTM हमेशा ज़्यादा रहती है, और RC 125 भी वैसे ही है। सिटी में कम स्पीड वाली कॉर्नर्स में भी आप बाइक को काफ़ी झुका सकते हैं। राइड पे जो थ्रॉटल एंगल होता है, जो हमको घुमाना पड़ता है फुल थ्रॉटल के लिए, वो RC 125 में काफ़ी ज़्यादा है। ये शायद बिगिनर राइडर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन RC 390 में जैसे 360° थ्रॉटल है, इसमें लेकिन 90° थ्रॉटल है। बाइक में पावर काफ़ी कम है, उस हिसाब से ये 90° थ्रॉटल मुझे उतना पसंद नहीं आया। 60° थ्रॉटल ही अच्छा रहता, लेकिन बिगिनर राइडर्स के लिए है इसीलिए ऐसे बनाया गया है। KTM ब्रेक्स, टायर्स या सस्पेंशन का डाउनग्रेड नहीं करती है अपने कम सीसी के बाइक्स में। RC 125 में भी आपको 300 mm का बाइब्रे डिस्क मिलेगा, जो 4-piston कैलिपर्स यूज करती है। पीछे 230 mm की डिस्क है, और इसमें सिंगल चैनल ABS है, जिसमें आपको फ्रंट व्हील में ABS की प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन रेयर में ABS नहीं है, और ये ABS ऑफ नहीं किया जा सकता, जहाँ पे RC 390 या Duke 390 का डुअल चैनल ABS ऑफ किया जा सकता है। टायर्स भी काफ़ी चौड़े हैं, RC 125 के पीछे 150 mm की MRF टायर्स लगे हुए हैं, जो RC 200 के साथ मिलती है। 43 mm की अपसाइड डाउन फॉर्क्स, पीछे का 10 स्टेप में एडजस्टेबल मोनोशॉक, और ट्रेलिस फ्रेम भी पूरी RC 200 से है। KTM हमेशा RC मॉडल्स में उत्कृष्ट मान की फिट एंड फिनिश देती है,
जो नया पेंट जॉब आया है वो साबित करता है कि KTM इस मानदंड पे भी उन्नति करना चाहती है। RC125 दो रंगों में उपलब्ध है, इनमें से ब्लैक ऑरेंज मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि इससे बाइक और भी तगड़ी दिखती है, लेकिन जो छोटे छोटे पार्ट्स है जैसे कि LED DRL, LED इंडिकेटर जो मिरर में लगे हुए है, सहयात्री की सीट पे एक ऐसी फिनिश जो सीट काउल जैसा दिखे, ये सब छोटे छोटे चीज ही RC को अपना विशिष्टता देती है। RC125 की कंसोल 8 साल पहले डिजाइन हुई है, लेकिन इसमें आज भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आजकल के बाइक्स में भी कभी कभी नहीं होती। गियर पोजीशन और गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो है ही, उसके साथ दो ट्रिप मीटर, टाइम ऑफ ट्रिप, एवरेज स्पीड, माइलेज, बाइक की सर्विस कब ड्यू है, साइड स्टैंड अलार्म, इंजन टेम्परेचर अलार्म और ऑयल प्रेशर अलार्म भी मिलती है। बहुत रिव्यू में RC125 को ट्रैक राइडिंग सीखने के लिए आदर्श बाइक बोला जा रहा है। हमने भी RC125 को टेस्ट किया कॉर्नर्स में। बाइक की फ्रंट एंड फील काफ़ी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि बाइक में और भी तेज जा सकती है, लेकिन इसकी इंजन इसको रुक रही है। ट्रैक राइडिंग के लिए और एक मुश्किल है, इसकी रेव लिमिटर 10,500 RPM के आसपास है जिसमें लॉक लग जाता है और बहुत बार इस लिमिटर पे गाड़ी जाके अटक जाता है और इसमें बाइक की स्मूथनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है कि अगर ट्रैक यूज ही करना है तो इस बाइक को रीमैप करके इसका लिमिटर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक राइडिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको RC200 या RC390 रेकमेंड करूंगा। RC200 की पावर भी काफ़ी अच्छी है और वो भी आप आराम से संभाल पाएंगे। राइडिंग पोजीशन में RC काफ़ी एग्रेसिव है। 818 mm की सीट हाइट शॉर्टर राइडर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। मेरी हाइट 5 feet 8 inches है, मुझे ऐसी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आती। शरीर के ऊपर हिस्सा सामने बहुत झुक के रहती है और फुटपेग्स रेयर सेट है। छोटा स्पोर्ट्स बाइक की तुलना में RC125 में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जिसमें लंबे राइडर भी आसानी से बैठ पाएंगे। राइडिंग पोजीशन एग्रेसिव है, लेकिन आप थोड़े से चलाएंगे तो आपको एडजस्ट हो जाएगा और मुझे जैसे लगता है R15 में राइडिंग पोजीशन इतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो बाइक छोटा है तो अगर आप लंबे हैं तो आपको RC125 का पोजीशनिंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन शॉर्टर राइडर्स के लिए R15 का सीट हाइट भी नीचा है और उसका पोजीशन भी उतना एग्रेसिव नहीं है, तो शायद वो लोग R15 ज़्यादा पसंद करेंगे राइडिंग पोजीशन के हिसाब से। पिछले 2 घंटा से हम लोग RC125 चला रहे हैं। KTM की पहली बाइक है जो 125cc में फुल स्पोर्ट्स बाइक लुक्स की तरह आ रही है। तो मुझे पहले थोड़ी परेशानी हो रही थी कि बाइक 160 kg का हो गया है, अभी इतना कम पावर है तो ख़राब लगेगा कि नहीं, लेकिन चलाने के बाद हम बोल सकते हैं कि नहीं, ड्यूक 125 के जैसा ही इसका फील है, क्योंकि इसके लग रहा है कि गियरिंग रेशियो में थोड़ा चेंज किया है तो उतना कम पावर नहीं लग रहा है। 14.5 BHP का जो पावर है वो बहुत लीनियरली आ रहा है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा किया है, इसीलिए वो पावर जितना है उससे ज़्यादा लग रहा है। तो चलाने में बहुत स्मूथ फील आ रही है और एकदम बिगिनर राइडर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। आपका जो थ्रॉटल हैंगल है वो नॉर्मली RC390 में बहुत कम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुड़ना पड़ता है, तो पावर जो कम है वो और भी स्मूथली आ रहा है, तो बिगिनर राइडर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो बाइक है ये कौन से यूज़ के लिए लगेगा, तो हम बोलेंगे कि अगर आपको RC200 लेना है तो आप हाईवे में जा सकते हैं, ज़्यादा क्रूजिंग और ज़्यादा लॉन्ग टूर्स के बारे में आप सोच सकते हैं। इस बाइक को आप लीजिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में राइड करना है, क्योंकि इसमें सिटी में 50 से 55 km/L तक आपका माइलेज आ जाता है, जो ड्यूक 125 में ओनर्स को मिल रहा है। ये कंपनी क्लेम नहीं है, ये ओनर्स को प्रैक्टिकली जो सिटी में मिल रहा है वही आपको इस बाइक में मिलेगा। तो सिटी में ना मैंने जैसे चला रहा था 100-110 तक स्पीड सिटी में उठ जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा है सिटी के लिए, तो सिटी में आपको पावर इतना मिस नहीं होगा। 14.5 BHP से ज़्यादा लगता है क्योंकि थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा है, पावर आपको अच्छा फील आता है। 14-15 BHP का कम्यूटर बाइक आता है उससे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और जैसे मैं बोल रहा था कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि R15 के साथ कंपेयर कर लीजिए, R15 लेना है या ये लेना है। R15 मैंने बहुत सारा चलाया है, ये 4.5 BHP R15 में ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस आता है अगर आप हाईवे में जा रहे हैं, क्योंकि उसका क्रूजिंग स्पीड 120 आराम से उठ जाता है, जिसके इसमें तो 120 टॉप स्पीड है, उसका टॉप स्पीड है 140 के आसपास, तो वो डिफरेंस आपको हाईवे में ही मिलेगा।
लेकिन अगर माइलेज का कंपेयर करते हैं तो R15 40 देता है, ये 50 से 55 देता है। तो इसी हिसाब से सिटी में मुझे लग रहा है अगर सिटी में ज़्यादा चलाना है तो मैं यही बाइक प्रेफर करूँगा। और इसका जो हैंडलिंग है और इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो R15 से मुझे बेहतर लगता है। आप अगर खुद चला के डिसाइड कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आपको भी इसका जो स्टेबिलिटी है, इसमें पीछे का चक्का भी 150 mm का है जो R15 140 का है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा आपको बैलेंस आएगी और स्टेबिलिटी, और आपका बड़ा ब्रेक है, 300 mm का फ्रंट डिस्क है, तो ये सब कुछ देख के वो किट के हिसाब से इसमें ज़्यादा है। R15 में तो बोला ही हूँ 4.5 BHP ज़्यादा है, और उसमें डुअल चैनल ABS भी है, जो और एक एडवांटेज है जो इसमें सिंगल चैनल ABS है। दोनों का ABS ही नॉन स्विचेबल है, तो वो बात सेम है। तो अभी आपको अगर ज़्यादा सिटी में चलाना है, मैं सोचता हूँ कि ये इसमें जाऊँगा। अगर आपको हाईवे में लेना है, लॉन्ग टूर्स में भी जाना है, तो R15 ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रैक यूज़ के लिए फिर मैं RC 200 या RC 125 भी प्रेफर करूँगा। 200 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो है मतलब ट्रैक, थोड़ा बड़ा ट्रैक लेंगे, अगर चेन्नई वाला ट्रैक सोच रहे हैं या BIC सोच रहे हैं, उसमें 200 390 ये सब भी अच्छा लगता है। कोयम्बटूर का जो टाइट ट्रैक है, वहाँ पे हम लोग R15 चलाए थे, वहाँ पे ये बाइक भी अच्छे से चलेगा, क्योंकि बहुत टाइट ट्रैक है, उसमें पावर यूज़ करने का उतना जगह नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, हमको RC चला के बहुत मज़ा आया। आप अगर टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, मैं नंबर छोड़ रहा हूँ कोलकाता शोरूम्स का, उनके पास टेस्ट ड्राइव डेमो बाइक बहुत जल्द रहेगा आपके लिए, और बुकिंग्स के लिए भी यही नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाइक का प्राइस ऑन रोड 1,70,000 रुपये है, जो मुझे लगता है कि हाँ, KTM के बाकी सारे बाइक जितना प्राइस वैल्यू फॉर मनी है उतना नहीं है, लेकिन जितना किट दे रहा है, फीचर्स दे रहा है, उसके हिसाब से सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। गुड बाय।